द रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं टॉपिक वाइज करूंगी, उसी में कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी हो जाएगी और जो है क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री का है उसमें ये है कि आप आगे भी टेंथ में ये करते थे। टेंथ में कैसे करते थे, मान लीजिए कि आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में कॉस दे दिया। ओके, जब आपको सपोज मुझे दे दिया कॉस अल्फा 2y, ओके, और मैं आपको कहती थी साइन निकालो या टेन निकालो, तो आप प्लस वन टेंथ में क्या करते थे, आप करते थे कॉस है बी बाय एच, आप इसको बी इसको एच लेके और पी निकाल लेते थे, कोई भी कर लेते। वहां पर हम कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चीज देखते, क्यों, क्योंकि वहां पर वी ओनली डील विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पुलकित पे अटेंशन हियर बेटा प्लीज, वी ओनली डील विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम जो भी काम करते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते थे। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में अब फोर क्वाड्रेंट है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल स्कूल या आफ्टर स्कूल टू क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और साइन का ऑपोजिट कोसेकेंस, टैन पॉजिटिव टैन का रेसिप्रोकल टॉन, कॉस पॉजिटिव कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंट। ये मेरे पास हर पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव की बात थी। हम टेंथ में कुछ नहीं देखते थे, लेकिन अब अगर आपको कॉस दिया है, आपको क्वाड्रेंट भी बताया जाएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है। मान लीजिए मेरे पास कॉस की वैल्यू थी एग्जांपल सिक्स्थ में, इट इज गिवन माइनस जो है 3/5 और मुझे कहा गया थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मेरे पास हो थीटा किस में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके बेटा, अब अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा, मुझे कहा बाकी सब कुछ निकाल, क्लियर करता मुझे पता थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। करना वैसे ही है जैसे हम टेंथ क्लास में करते, बट फर्क क्या है, हमने पॉजिटिव नेगेटिव आगे जरूर चेक कर, करना बिल्कुल वैसे ही कि B मेरे पास ये है, H मेरे पास ये है, मैंने P निकाल दिया, नेगेटिव भूल जाना, नेगेटिव ओनली टेल अस कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, मतलब एक लाइन ये सारा थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में बना, सेकंड है ना। अगर क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, मैं यहां से सारा एंगल देखूं थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर कोई लाइन होगी तो फोर, मैं शॉर्ट नहीं होगी, ये वाला एंगल नहीं बन, ये इधर को किया तो ये क्लॉकवाइज बन गए, एंगल मेजरमेंट किससे करते हैं एंटी क्लॉक, इसीलिए उधर से मैं सारा दूं। ओके जी, ये बात समझ आई मेरी। अब मैंने किया वैसे ही, मैंने जो है 25 माइनस 9 रूट 16 4 आ गए। अब मुझे कोई भी टी रेशियोज कैलकुलेट करने को कहिए, मान लो टेन अल्फा का थर्ड क्वाड्रेंट में, का थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है पॉजिटिव, यानी सिंपल पी बाय बी 4/3। अगर मुझे कहते कॉस थीटा तो दिया ही हुआ है, साइन अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है पी बाय एच, बस और कुछ नहीं, सिर्फ क्या लगाना है नेगेटिव लगाना। मेरी बात समझ आई सबको बेटा, ये एक पहला क्वेश्चन है जो 1 मार्क में आ जाए, 2 में आ जाए, 3 में आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, एक क्वेश्चन आप खुद करो, ठीक है। एक चीज इसमें जो एंगल है ना, सेम एंगल निकालो, मतलब ये नहीं है यहाँ अल्फा दिया और अल्फा बाय 2 निकालने को नहीं कहा। पहला जो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एंगल दिया उसी को निकालना, अगली टाइप में आपको बताऊंगी, मतलब 2-3 टॉपिक के बाद जो एंगल दिया उसका हाफ निकालना। यही गलती बच्चे करते,
कि वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं जब पूछा नॉर्मल। ये टेंथ का काम था, सिर्फ चेक क्या किया पॉजिटिव नेगेटिव। ये बात समझ आ गई हमारे पास हो गए। लेट अस डू वन क्वेश्चन। अगर आप देखोगे ना एक्सरसाइज 3.2 के 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2 आप घर जाके इसको करना जरूर, ठीक है। कोई दो क्वेश्चंस कर लो आपको पता चल जाएंगे, मैं एक करवाने लगी। लेट अस राइट द फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि आप खुद नहीं करोगे आपको नहीं समझ आएगा कि आप क्या कर रहे। लेट अस डू। हां जी बेटा, मेरे पास जो है इफ टेन एक्स इज इक्वल टू, इफ टेन एक्स इज इक्वल टू -5/12 फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज, इट इज गिवन दैट एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इट इज गिवन दैट पुलकित पुत्र जी, यू हैव टू डू, मैं समझाई जाऊंगी, आप नहीं करोगे ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो सकती। मैं क्लियर कट बोल रही हूं बेटा, एज आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन कि मैम मेरा नहीं निकला मेरे को बताओ। मैं यही मैक्सिमम 100% मैं अपना दे रही हूं आपको, और आई एक्सपेक्ट कि 100% आप मुझे दो। एक्स लाइज इन द सेकंड क्वार्टर, कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले बिल्कुल, दिस इज पी, दिस इज बी, और मेरे पास जो है एच निकालो, दैट इज 25 + 144 √169 13। हाँ जी ठीक है। अब बेटा मेरे को एच पता चल गया, इफ आई वांट साइन, अब सेकंड क्वार्टर में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। सिंपल साइन एक्स जो है टी बाय एच, टी मेरे पास 5 थी, एच 13। हाँ जी साइन का उल्टा को सीकेंड, क्लियर कर साथ ही निकालने की जरूरत थोड़ा, ठीक है। अब कॉस क्या होता है? माइनस बी बाय, एंगल नहीं लेना, एक्स है तो एक्स ही लिखना है, माइनस बी बाय एच। हाँ जी माइनस बी 12 और एक्स 13, सीकेंट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, -13/12 कॉट रह गया, टेन दिया उसका रेसिप्रोकल का, पहली बात समझ बिल्कुल, माइनस उनके साथ लगना ही लगना है, मींस क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव है, अगर एक चीज पॉजिटिव है तो बाकी सारे नेगेटिव ही है ना, है कि नहीं है? तो किसके साथ? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि टैन का रेसिप्रोकल कर रहे हो, नेगेटिव है तो ऑब्वियस लगेगा ना। बात ये समझ आ गई सबको पहला, ये बहुत बेसिक का काम था, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। हमने ये सीखा कि मेरे पास टी रेशियोज कौन से क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव होती है क्या पॉजिटिव, ठीक है। मैंने ब्लैकबोर्ड पे, सभी बच्चे प्लीज, मैं एक सेकंड का भी तुम्हारा ध्यान गया ना बेटा इधर से इधर, तो जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ये आगे बहुत ज्यादा यूज है आपको ना, जो वैल्यूज थी टी रेशियो थी वो 90 तक पता थी सिर्फ, एम आई राइट, है ना, और कोई नहीं पता था। अब हम जितनी मर्जी वैल्यू आ जाए हम ब्रेक करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अब सीख ली, कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी मतलब नेगेटिव लगा तो हमने वो सीख ली, ओके। उसके लिए सबसे पहले मुझे नेगेटिव कॉन्सेप्ट एंगल के पता होने चाहिए। मैं बार बार आपको कह रही हूँ हम एंगल मेजरमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो एंगल का मेजरमेंट नेगेटिव हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले ये फॉर्मूले बताने लगी हूँ जो यूज हो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस कंज्यूम नेगेटिव साइन, जहां तुम्हें लग रहा है ना कि मैम ये कैसे क्यों, यू हैव टू आस्क मी कि मैम, बेटा मान लीजिए कि आपके पास साइन -60 डिग्री आपने निकाला,
हाँ जी, तो माइनस साइन 60 डिग्री होता है, ओके, और कुछ भी नहीं। अब देखिए ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला, थर्ड कॉस कंज्यूम कर लेता है बेटा नेगेटिव से। उसका मैं रीजन बता दूं, जब एंगल नेगेटिव है मान लीजिए है ना, तो उसमें वो चेंज कुछ नहीं होता, बी चेंज नहीं होता क्योंकि कॉस में होता है बी बाय एच। एक चीज याद रखना, बी नेगेटिव हो सकती है, पी नेगेटिव हो सकता है, एच कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जो एच है ना वो दो के स्क्वायर से भरा है, तो इट कैन नेवर बी कॉस में आ रहा है बी बाय एच, है ना। जब आप नेगेटिव एंगल लेते भी हो, अगर वो इस साइड पे आपने नेगेटिव एंगल लेना, वो नीचे को आएगा, अरे बेस तो सेम ही रहेगा ना, वो तो नहीं नेगेटिव होगा ना। आपका एक एंगल ये था, सपोज ये थीटा है, इधर को आया ये माइनस थीटा, बना के नहीं बना, है ना। अब कॉस में होता है बी बाय एच, होता है कि नहीं होता, एच कभी नेगेटिव होनी नहीं, बी कोई चेंज हुई जो पहले थी उतनी है वही है, कोई चेंज तो नहीं, सिर्फ चेंज नहीं हुई, हाइट पहले पॉजिटिव थी मतलब परपेंडिकुलर, इधर क्या गया नेगेटिव, इसीलिए अगर आप देखो साइन में नेगेटिव बाहर आ जाता है लेकिन कॉस में नहीं आता, सिर्फ यही रीजन। ये फॉर्मूले मतलब हमने प्रूफ किए हुए जस्ट बिकॉज आता है। अब बात समझ आई कि नेगेटिव कब आता है, जहां पर परपेंडिकुलर चेंज हो या जहां बेस, अब यहां जो भी है पी आएगा ना जहां पर, वहीं पे नेगेटिव कंज्यूम नहीं होगा, जहां बी आएगा सेम ही सेम है, उसने कोई चेंज नहीं होना, तो उसमें वो कंज्यूम हो जाएगा, ओके क्लियर। अब देखो जरा टैन माइनस थीटा, टैन क्या होता है पी बाय बी, बी ने चेंज नहीं होना, किसने चेंज होना, पी ने, नेगेटिव आएगा ना, अगर दोनों में कंज्यूम हो जाता तो फिर भी नहीं आना, ओके चेंज नहीं करते, तो मेरे पास हुआ। अब देखिए माइनस टैन थीटा, ओके नेक्स्ट साइन को उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, इसमें भी नेगेटिव बाहर आया, याद करने की कोई चीज है ही नहीं, इसमें खुद ही बन रही है, ठीक है। फिर सीकेंट माइनस थीटा क्या होगा, सीकेंट थीटा, ओके जी। सिक्स्थ कॉट माइनस थीटा, माइनस कॉट चेक करो, ओके बात समझ आई, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट था, सबको लर्न हो गया, यस मैम। सिंपल सा मैं बोल रही हूँ, जिस टी रेशियोज में मेरे पास होंगे पी आएगा है ना, वो चेंज होगा तो 100% नेगेटिव बाहर आएगा, जहां बी और एच आ रहा है ना वहां पर कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं है, जहां अकेला पी बचता है, अगर बी और एच दोनों आ रहे हैं, दोनों ने पॉजिटिव ही रहना, कोई चेंज नहीं होना, जहां पी अकेला आ रहा है, ठीक है, और दूसरा एच आ रहा है या बी आ रहा है, तो नेगेटिव बाहर आएगा ही आएगा, मैंने ऐसे लर्न किया, बात समझ आई सबको, लर्न हो गए फॉर्मूले। नेक्स्ट पहला कॉन्सेप्ट ये था, ये सब बड़ी बड़ी वैल्यूज कैलकुलेट करने में यूज होने, दूसरा कॉन्सेप्ट साइन मेरे पास हो गए पाई प्लस थीटा है या टू पाई प्लस माइनस, कुछ भी है, पाई आए या टू पाई आए, चेंज कुछ नहीं होता किसी में भी, चाहे साइन है कॉस है टैन है कॉट है, पाई हो ये टू पाई हो, साइन का साइन ही रहना, कॉस का कॉस ही रहना, टैन का टैन ही रहना, कॉट का कॉट, साइन चेंज हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करे, कैसे। थीटा हमेशा क्यूट होता है, मतलब कभी भी दो जंप नहीं करेगा क्वाड्रेंट के, थीटा क्या है एक्यूट है, वो कभी दो जंप नहीं करेगा, करेगा तो साथ वाले पे ही जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने कोई इसको रट्टा नहीं लगाया, बस एक चीज याद रखी हुई है, पाई और टू पाई पे
टी रेशियो सेम रहता है, बस इतना याद की। बाकी जब भी कोई बच्चा मुझे पूछता है मैं कैसे कैलकुलेट करूं, देखो जरा ध्यान से, मैं अपने दिमाग में लेके आती हूँ ये फोर क्वाड्रेंट्स है, ये जीरो है, ये पाई है, ये पाई बाय टू है, ये थ्री पाई बाय टू है और ये टू पाई। ये तो सबको पता पता है ना काव्या, बेटा प्लीज सी है। अब जरा देखो, अगर पाई प्लस थीटा करना, प्लस करेंगे तो आगे जाते हैं, माइनस करेंगे तो पीछे जाते हैं, इतना पता है। अगर मैं पाई प्लस थीटा कर रही हूँ, साइन की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या है, इसको देखना ना, आंसर को कभी नहीं देखना आगे, क्योंकि किसी में चेंज भी आता है। साइन ऐसा एंगल जो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, आंसर क्या आना चाहिए, बस लिख दो माइनस साइन, ठीक है, बात समझ आई। ये देखो जरा, साइन टू पाई होना, टू पाई प्लस थीटा, टू पाई हो प्लस हो, मैं माइनस की बात नहीं कर रही, किसकी प्लस की, तो हमेशा याद रखना पॉजिटिव ही होता है, कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि टू पाई प्लस में पहुंचेंगे हमेशा, किसमें पहुंचेंगे, फर्स्ट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर सिंपल साइन थीटा ओके, बात समझ आ गई मेरे, अच्छा खुद बनाओ। अगर मैं कहती साइन पाई माइनस थीटा, साइन नेगेटिव नहीं ना, क्यों नहीं आना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अब इधर से टर्म चलेगी, एक एक वैल्यू मेरे को बताते जाओ, ओके, मुझे बोलना ना पड़ेगी इस बच्चे की टर्म, एक एक टर्म सबकी। चलिए cos पाई प्लस थीटा बेटा माइनस cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, जहां आपको डाउट लगे यू कैन आस्क मी कि मैम आपने ये कैसे लिखा, सिर्फ पाई टू पाई पे मैं बार बार कह रही हूं, मैंने चेक क्या करना है, नेगेटिव पॉजिटिव आना तो सेम ही है ना, कॉस का कॉस ही आना है, सेकंड का सेकंड ही आना है, टेन का टेन ही आना है, कोई चेंज तो नहीं आना। चलिए नेक्स्ट टर्म बेटा, सेकंड पाई माइनस थीटा माइनस सेकंड थीटा, नेक्स्ट सेकंड पाई प्लस थीटा प्लस आई सेकंड पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा थर्ड में, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, यहाँ गलती करोगे तो बेटा फिर दुख लगता है कि इतना मैंने आपको बताया फिर भी आप गलत कर रहे, ठीक है जी। चले बेटा आगे, चलिए मैं फॉर्मूलेस भेज दूंगी सर, आप समझो जितना नोट कर सकते हो कर, है ना। नेक्स्ट टेन पाई प्लस थीटा टेन थीटा, पता चला माइनस क्यों नहीं आया, यस कॉट पाई प्लस थीटा, फटाफट बेटा कॉट थीटा कॉस पाई प्लस थीटा टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, नेक्स्ट माइनस माइनस कॉट थीटा सेकंड, हाँ बेटा बोलो टेन का रेसिप्रोकल कॉट, दोनों पॉजिटिव होना बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता कॉट, वो भी पॉजिटिव होता है बेटा, क्या होता है ये देखो बेटा, इस क्वाड्रेंट में आएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब इसमें,
पाई टू थ्री पाई के बीच में है ना, पाई टू थ्री पाई में आया तो मेरे पास कॉट क्या होता है, बी बाय बी है ना, बी ने सेम ही रहना, वो तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज किसकी होनी, हाइट, हाइपोटेन्यूज की, परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर ऊपर कॉस थीटा तो नीचे नेगेटिव, तो नेगेटिव से वैल्यू फर्क पड़ेगा ना सर, आना चाहिए ना तो नेगेटिव, समझ आ गया। कोसेकेंट टू पाई प्लस थीटा, कोसेकेंट थीटा, ओके, कोसेकेंट टू पाई माइनस थीटा, माइनस कोसेकेंट थीटा, नेक्स्ट टैन टू पाई माइनस थीटा, अगर एक एंगल यहाँ तक पहुंचने पर ये 2π है बेटा, 360 तो पीछे आएगा, पीछे आएगा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, इतनी देर तो हमें सोचने में लगानी ही नहीं है, फिर तो सब ही नहीं होगा हमारा, और ये तभी होगा आज घर जाके ये सारे फॉर्मूले बनाओ, आपकी बुक के पीछे दिए मैच कर कर सकती हो, कभी इतना तो देखना आता है ना कि वेदर वी आर राइटिंग रॉन्ग और राइट, इतना तो करो बेटा, प्रैक्टिस करोगे रोज एक बार फॉर्मूले बनाओ, एक दो दिन बनाओगे ना, मैं भी तो ऑलरेडी सोच रही, मैं तो नहीं लिख के देख रही, फिगर की तरफ ही नहीं देखती, इमेजिन करती हूँ कि अच्छा ऐसे ही है, टू पाई मेरा यहाँ है, ये आएगा नीचे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे पता है कि मेरे पास क्या होता है, टैन इज नेगेटिव, तो इसे ठीक है। आप एक और बताओ, चल मेरा बताओ, कॉस टू पाई माइनस थीटा, कोई कॉस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास जो है कॉट टू पाई माइनस थीटा, नेक्स्ट खुल के कॉट थीटा क्यू माइनस, यस माइनस कॉट थीटा, ओके, आई थिंक यू आर एबल टू डू, अब तो सबको पता चल गया है ना, देखना पता किसको है,
जो स्टेटमेंट दी है, जो आंसर आया उसको नहीं देखा। यहाँ ये गड़बड़ी बच्चे करते, ठीक है ना, क्योंकि पाई और टू पाई में क्यों नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि साइन का साइन ही रह रहा था, कॉज का कॉज ही रह रहा था, तुम था आंसर को देख लो या स्टेटमेंट को, डिफरेंस था ही नहीं। यहाँ डिफरेंस है, बट देखना हमेशा जहां तुम अप्लाई कर रहे हो। अब देखो लेट अस सी, हाँ जी लेट अस सी, आप देखिए बेटा मेरे पास जो है फर्स्ट जो है मेरे पास cot 90 plus theta, cot को देखा 90 आ गया, पहला तो मुझे पता चल गया tan theta। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, मुझे फटाफट मैंने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है, बाकी कुछ भी आए तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या लगा होगा, को लगा था हटा दिया, इसको नहीं देखना, बस ये गड़बड़ी नहीं करना। ओके लेट अस सी द नेक्स्ट, मेरे पास कॉस पाई बाय टू माइनस सी, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना तो टेंशन ही खत्म, वो तो पॉजिटिव ही रहना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा। ओके बेटा वो नहीं होगा, आप ये देखो ना को साइन है, को साइन में को आगे लगा दिया, को साइन है को हटा दिया, तो क्या बन गया साइन बन गया। ओके जी नाउ कम टू नेक्स्ट थर्ड, मेरे पास हो गए सेकंड पाई बाय टू प्लस थीटा, नहीं लगा को लगा दे को सेकंड माइनस, क्योंकि सेकंड कॉस का है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मुझे माइनस लगाना ही पड़ेगा। अगर मैं सेकंड को देखती ना तो गड़बड़ी हो जानी थी, क्यों को सेकंड साइन का होता तो आपको हो गए साइन तो पॉजिटिव होता जी, इसीलिए बार बार कह रहे इसको नहीं देखा। ओके जी नाउ कम टू नेक्स्ट फोर्थ, मेरे पास हो गए टेन सबको, किसी के माइंड में कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी बेटा, मैं बार बार कह रही हूँ, इससे ज्यादा मैं मतलब मैं पूरे आपके दिमाग में डालना चाहती हूँ, बट जब तक आप मेरे से पूछोगे anything comes in your mind you can ask me। हाँ जी इसको ही देखना, मैंने इसको ही देखा, इसको ही देखना। हाँ अगर आपको ये दिया है तो उधर जाना है, आपको नेगेटिव नहीं दिया तो ये नेगेटिव इधर ट्रांसपोज होता है उसके। बेटा मैं वही बार बार कह रही हूँ, ठीक था यहाँ एक्यूट होता है, वो डबल जंप नहीं मारता क्वाड्रेंट में, मैंने अभी बोला एक्यूट है मतलब 90 से छोटा, किसी हद तक वो डबल जंप मार ही नहीं सकता। माँ एक बच्चे की लिमिट ना एक फिक्स हाइट तक होती है कि यहाँ तक ही जंप मार सकता है, जितना मर्जी वो सुपरमैन बन जाए, है ना, जब बोल दिया थीटा इज एन एक्यूट एंगल तो दैट मींस वो 90 से ज्यादा जंपिंग कर ही नहीं सकता, कर नहीं सकता तो वो अपने कंसेक्टिव साथ वाले क्वाड्रेंट में ही जाएगा, चाहे वो अगले में जाए चाहे वो पिछले में जाए। ठीक है चलो अब इधर से टर्न देखते हैं किसकी है। आज जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया ना ये सारा कॉन्सेप्ट 3.2 में यूज हो रहा है सारा, ठीक है, तो लेट अस सी मेरे पास यहाँ पर क्या है, आप बताइए cos 3π/2 - θ, चलो पीछे से माइनस जो है साइन थीटा, सभी चेक करेंगे, मैंने नहीं चेक करना। नेक्स्ट यशिका बेटा, हाँ जी साइन 3
थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। आपने गलती निकाली है, हाँ जी कॉस थीटा आएगा, नहीं सही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्यों क्यों देख रहे हो, किसको देखना है? साइन को बेटा, साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है ना। हाँ जी चलो बेटा मन्नत, माइनस कॉट थीटा चेक कीजिए। ओके चलिए, टेन टू पाई माइनस थीटा, यानी टू पाई आ गया ना, टू पाई पाई हॉरिजॉन्टल है, अकड़ थोड़ा रहा बेचारा बंदा जो चेंज करना है, हॉरिजॉन्टल एक जैसा, ठीक है। मैं बार बार कहती हूँ मैं अकड़ूंगी तो तुम भी अकड़ोगे क्लास में, मुझे पता है ना, ऐसे ही है ना, मैं लीनियंट रहूंगी तो यू विल बी, इफ आई एम हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, इफ आई एम हॉरिजॉन्टल मैडम कर लो जो करना है, मैंने नहीं पढ़ा, मेरे को नहीं समझ आता। एक सिंपल सा आंसर होता है आपका, हमें नहीं समझ आ रहा, चाहे आप कोशिश नहीं करते कुछ नहीं करते, बट इट्स अ रियलिटी, ट्रुथ है, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी ट्रुथ ही चलता, बात समझ आ गई सबको। चलो बेटा पीछे से, असीस सीकेंट थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, बेटा पहले तो सिंपल सोचा करो, थ्री पाई बाय टू आ गया, को लगा लगा दे, जब इसके आगे को लगा दूंगी तो बेटा ये बन जाएगा, है ना। अब पॉजिटिव नेगेटिव चेक करो, secant theta third quadrant में negative होता है, लगा दो negative, ठीक है। आज बस जाके formula से लिखने सारे, छह trigonometry हैं, अगर मैं देखूं तो चार वो है, 24 formulas ये वाले, हाँ 24 आपने learn थोड़ा की, हमने तो concept सीखा ना, 24 positive के 24 negative के कितने हो गए 48, हमने कोई लर्न तो नहीं किए, हमने कॉन्सेप्ट को समझा ना। ओके जी बात समझ आई सबको, अब मैं क्वेश्चन करना सिखाऊं, है ना, तभी आपको फायदा होगा कि मैम ये अप्लाई कैसे होने। देखो एक क्वेश्चन कराने लगी हूँ, सबसे पहले चाहे बेल हो गई है एक सेकंड सुन लेना, ताकि आपको छुट्टी है कल आप कर सकते हो। लेट अस डू कॉट माइनस 15 पाई बाय 4, पहला काम नेगेटिव है ना, देखो कंज्यूम तो नहीं होना, कॉट में नेगेटिव कंज्यूम होता है नहीं होता, मैंने पहला काम पहला फॉर्मूला लगे, सब भी ऐसे बड़े वाला आए ना आपको समझ नहीं आता, मैं हमेशा कहती हूँ ब्रेकेज करो जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसके मल्टीपल से, और वो आपने देखना है। देखो 4 का मल्टीपल है 4, 3, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई ब्लैक बोर्ड से इधर उधर मत देखो, पे अटेंशन है, 4, 3 का 12 होता है, 4, 4 का 16 होता है, 15 के पास कौन सा है, 16 ज्यादा पास है ना, मैं 16 से ब्रेकेज करूंगी, कैसे करूंगी, मैं माइनस कॉट 16 पाई माइनस पाई बाय 4, बात समझ आई मेरी सबको। अब देखो माइनस कॉट, ठीक है 4 पाई माइनस पाई बाय 4, अब 4 पाई का मतलब सर्कल दो बार चला होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, करना माइनस एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में, फोर्थ में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, एक बार था वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ है तो 2 पाई वाला ही कॉन्सेप्ट है ना, तो मेरे पास क्या बन गया कॉट पाई, आंसर इज है कोई मुश्किल, और
कोई एंगल से कॉमन लेके बाहर कहाँ निकालोगे, उसका क्या फायदा जब आपको 2πn π से आगे भी बताऊंगी। पहले ये बात समझ आ गई, हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।